नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। फिरोजाबाद में दीपावली पर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें ट्रेनों के अंदर जाकर GRP और RPF पुलिस ने यात्रियों के रखे सामान की चेकिंग की, जिससे अप्रिय घटना न घट सके, क्योंकि फिलहाल में आगरा में एक्टिवा पर एक बम धमाका हो चुका है। ये किस संदर्भ में चेकिंग की जा रही है? ये दिवाली के उपलक्ष्य में की जा रही है। आने वाला त्यौहार दिवाली जो है, उसकी वजह से सुरक्षा की दृष्टिकोण से चेकिंग की जा रही है। क्या किसी पे कुछ मिला है किसी प्रकार का? नहीं, किसी पे कोई ऐसा सामान नहीं। ये चेकिंग कब तक चलेगी? ये चेकिंग दिवाली के बाद तक भी चलती रहेगी। दीपावली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए हम बता रहे हैं, आज मेरे द्वारा मेरे साथ में एसचेक टीम को लेकर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाला इलाका जैसे शास्त्री बाजार है, इन सभी को विधिवत चेक किया गया। मेरे द्वारा जो मेरे साथ में जो उपकरण हैं, उन उपकरणों के द्वारा चेक किया गया। कोई एक्सप्लोसिव मुझे नहीं पाया गया। ये जो है, मैं आपका रिपोर्ट सामने आपके पेश कर रहा हूँ। कन्हैया लाल गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, फिरोजाबाद की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नदीम अहमद, वार्ड नंबर 14 से AIMIM पार्टी के पार्षद प्रत्याशी की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नीता पांडे, समाज सेविका की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद इसरार, वार्ड नंबर 59 से AIMIM पार्टी के पार्षद प्रत्याशी की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। फहीम खान व पत्नी नूरी खान, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 39 की तरफ से धनतेरस।